बस सफ़र इख्तिताम को ही है, थोड़ा ही रह गया है। वेरिफिकेशन हो गई, अब बारी है वैक्सीनेशन की। क्या कर रहे हो? बारिश होने का यार, आज ना रहने ही दो, आज रहने ही दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त फिट फाट होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है वेडनेसडे और अभी क्लासेस से फ्री हो गया हूँ मैं, और मौसम जो है ना यकीन मान जाए कहता है दिल को छू लेने वाला हो गया। इतना कोई प्यारा मौसम, दिल करता है बस ना बंदा छत पे चढ़ जाए और नाचे गाए घूमे मौज मस्ती करे, लेकिन ये करने के लिए अभी टाइम नहीं है। तो अभी जो मैं जा रहा हूँ कपड़े उठाने, कल मैंने धोबी को दिए थे, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लास्ट पे मैं गया था कपड़े देने के लिए, तो अभी वो कपड़े उठा के लाने हैं क्योंकि मेरे पास आगे बहुत से सरप्राइज़ हैं आपको भी देने के लिए और घर वालों को भी देने के लिए। तो पहले कपड़े उठा के लाता हूँ, उसके बाद जो सेकेंड काम है वो है जी वैक्सीनेशन। आज मैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी जा रहा हूँ, डर भी लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि कोई साइड इफेक्ट्स ना हो इस तरह के। मतलब बहुत बातें सुनी है मैंने, सुना है कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है कुछ वैक्सीनेशन की वजह से, तो इस तरह के मतलब ना काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं। अब अल्लाह ही जाने कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इसके अलावा कोई और हमारे पास वो क्या कहते हैं चॉइस भी नहीं है, लगवानी भी पड़ेगी। कोरोना से मरने से अच्छा है तो बंदा वैक्सीन से मर जाए। तो पहले कपड़े लेके आता हूँ, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे और आपके साथ भी शेयर करूँगा। ये उसामा भाई भी आ गए हैं, उसामा ने वैक्सीनेशन करवाई है। उसामा मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन करवाने, तो मुझे तसल्ली दो कि कोई मसला तो नहीं है ना। नहीं यार कुछ नहीं होता। अच्छा तुम्हें कितने दिन हो गए? 5-6 दिन तो हो गए ना, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, बुखार वगैरह या इस तरह का कुछ कमजोरी वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब तब भी थोड़ा बहुत दर्द करता है पर उसके बाद ठीक, मतलब कुछ नहीं हो रहा। मैं भी लगवाऊँ? अच्छा वहाँ सिंगल डोज वाली है या दो डोज है उसकी? मुझे तो सिंगल डोज वाली लगी है। अच्छा उसका नाम क्या है? कैंसिनो। अच्छा तो और एक सुना है कि वो कोई ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो रही है, वो कौन सी वैक्सीनेशन है? पता नहीं यार, लेकिन नहीं मैंने तो नहीं कोई सुना। अच्छा जो भी है वो बैन हो गया शायद आई। अच्छा हाँ, बाकी ये मैं लगवाऊँ फिर। लगवाओ वो अच्छी बात है। चलो मैं फिर जा ही रहा हूँ। कपड़े मैंने उठा लिए, वैसे एक बात है इनकी कि सर्विस बड़ी क्विक होती है, बस एक दिन में कपड़े दो दूसरे दिन उठा लो, शायद इस्त्री करवा के ले लो या जैसे वैसे ये ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह थी टी शर्ट्स, तो ये मैंने इस्त्री नहीं करवाए। कपड़े मैं धोबी से उठा के ले आया हूँ, अलमारी में रखे हैं और अभी जा रहा हूँ वैक्सीनेशन के लिए। दुआ कीजिए रश ना हो, क्योंकि ना मौसम आपने देखा बहुत ही ठंडा और ना बस ना बूंदें गिर रही हैं बारिश की, ये ना हो कि उधर फिर रश पड़ जाए वहाँ का और फिर मुझे ना वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अल्लाह करे बस लग जाए। अभी एक लड़का मिला, मैंने उसे कहा यार आ जा वैक्सीनेशन करा लो, कह रहा है यार मुझे अभी जीना है, उसने मुझे फिर डरा दिया, लेकिन कोई नहीं जो होगा अच्छे के लिए होगा, देखी जाएगी, आज करवा के छोड़ेंगे वैक्सीनेशन। लें जी एक बार फिर से ये सिचुएशन है, और अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, इंतज़ार करूं लगवाऊं जाऊं या नेक्स्ट टाइम का इंतज़ार करूं किसी और दिन का। लें जी एक बार तो हिम्मत करके बैठ गया हूं, अब देखो कितना इंतज़ार करना पड़ता है। मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगा, तो सबसे लास्ट वाला जो सी कुर्सी है ना वो मैं ही बैठा हूँ। यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और वो ये जो बंदे खड़े हैं इनसे भी आगे वो उस दीवार के पास समझ लो, बस अभी थोड़ा सा और वो देखें वो एंड है और यहाँ पे पहुँचे हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, बस जल्दी जल्दी आए यार, बहुत इंतज़ार करवाते हैं ये, टेंशन इतने तक बंदे को रहती है जब तक इंजेक्शन की वो नीडल नहीं लग जाती। बस सफ़र इख्तिताम को ही है, थोड़ा ही रह गया है। वो वहाँ से बात यहाँ तक पहुँच गई है। ले जी वेरिफिकेशन हो गई, अब बारी है वैक्सीनेशन की, और वहाँ पे वैक्सीनेशन लग हो रही है, सारे ना मोटे मल के जा रहे हैं, मैंने भी मलना है। एक मज़े की बात बताऊं, मेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक भी हो गया है।
जब मैं वैक्सीन लगवाने गया ना, वहाँ पर एक भाई खड़े थे, मैंने उनको कैमरा दिया कि वीडियो बनाना, और मज़े की बात उन्होंने वीडियो बनाई नहीं, कैमरा उन्होंने मुझसे ले लिया मोबाइल, और वो समझे कि शायद शूट हो रही है लेकिन शूट नहीं हो रही थी। तो अभी मैंने देखा तो वैक्सीन लग गई है, लेकिन कोई नहीं, वैक्सीनेशन इसी बहाने मेरी कंप्लीट हो गई, मतलब कंप्लीट नहीं हुई, फर्स्ट डोज लग गई है, अब चलते हैं। और सेकंड डोज जो है वो ऑलमोस्ट 28 दिन के बाद लगती है, तो उसके लिए फिर इंतज़ार करने पड़ेगा। मूड तो मेरा यही था, मैं तो ये सोच के आया था कि एक ही डोज सिंगल डोज वाली है, वो कैंसिनो एक वैक्सीन आई थी तो वो होगी, सिंगल लगवा के जान छूट जाएगी, लेकिन अब ये 28 दिन के बाद एक बार फिर से लगवानी पड़ेगी। चले जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी बारिश आज होगी शुरू, मज़े बना दिए मज़े, अभी वापस हॉस्टल चलते हैं। बाकी यार वैक्सीन लगवा के मैं वापस हॉस्टल में आ गया हूँ, और दिल ही तोड़ दिया है भाई ने वीडियो ना बना के, सारा कुछ उसी पे दारो मदार था, वो ही छोड़ दिया। तो बाकी मजाक की बातें भी बहुत हो गई, काम की बातें भी बहुत हो गई, तो मेन कंक्लूजन यही है कि वैक्सीनेशन करवाओ, लाजमी करवाओ, सब करवाओ। लोग बातें भी करेंगे कि ऐसे इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं, आप पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरा कि आपने डोज लगवाने चले जाना है, तो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी की वीडियो ख़त्म करते हैं, मेरे कपड़े सारे ये आप देख रहे हैं गिले हो गए हैं, तो सामने वैक्सीन लगवा रहे हूँ, और ये यार तो डबल डोज लग रही थी, सिंगल डोज नहीं थी सर। अच्छा कौन से वाली? ये कैंसिनो, एक कैंसिनो तो सिंगल डोज है ना, साइनोवैक लग रही थी, डबल डोज है वो। तो अभी की वीडियो ख़त्म करते हैं, भाई ने मेरे साथ एक बार फिर से कह रहा हूँ, मगर मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा मेरे साथ बहुत बुरा किया उन्होंने वीडियो ना बना के, तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी शाम भी होगी और ऊपर से बारिश की वजह से ना सर्दी लग रही है ना, बारिश था यहाँ पर, जब भी बारिश हो जाए ना समझो सर्दियाँ आ जाती हैं। और अभी की वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे आपके लिए सरप्राइज़ भी हैं बहुत, फिर कह रहा हूँ सरप्राइज़ भी हैं, तो वीडियो सारियाँ देखिएगा अगले जो आने वाली हैं, सारियाँ जो आ रही हैं ना सारियाँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना देर सा ख्याल रखिए, और वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाएं, अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी लगवाना शुरू कर दी है, वैक्सीन का फर्स्ट डोज हो गई है, और सेकंड जो है 28 दिन के बाद कहते हैं लगती है। और जो आपने मेरी आईब्रो के बारे में बहुत सी आपने सॉल्यूशंस बताए थे, उनका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।